तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो? सिमी को, सिमी को घर में जाने से रोकते। कॉल कर। कॉल कर। हाँ पुत्र। डैडी जी। इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे हम तुझे यहाँ से। शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से अरमान और आसमां ये पता लगाते हैं कि सिमी और मेहर का कोई रिश्ता है ही नहीं। इन दोनों की डीएनए रिपोर्ट मैच तक नहीं होती। अब ऐसे में आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आसमां कहती है अरमान से सिमी मेहर को अपना बनाने नहीं आई है, मेहर के लिए भी नहीं आई है, बल्कि सिमी का कुछ और ही प्लान है। अब यहाँ पर अरमान और आसमां को ये पता लगाना है कि आखिरकार सिमी का प्लान चल क्या रहा है। जब अरमान और आसमां ये सब बातें कर रहे होते हैं तो वहीं से कोई तीसरा पर्सन इन्हें छुपकर देख रहा होता है, इनकी सारी बातें सुन रहा होता है। तो आने वाले एपिसोड में आप यही देखने वाले हैं कि किस तरीके से सिमी अरमान और आसमां के बीच में एक कोल्ड वॉर देखने को हमें मिल रहा है। दूसरी तरफ जहां पर रेस से मेहर को बचाती है आसमां, तो आसमां का चेहरा कुछ लोगों के सामने आ जाता है सुखी और यहाँ पर सिमी को शक हो जाता है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे बड़ा ट्विस्ट, जहां पर हम देखने वाले हैं कि अरमान और आसमां अब सिमी के खिलाफ प्लान बनाएंगे, लेकिन सिमी ऑलरेडी प्लान बना चुकी होती है। सिमी जो है आसमां के कहती है कि मैं फोन करती हूँ आसमां को, शेफ के सामने ये ड्रामा करती है ताकि घर वालों के सामने सारी बात आ जाए, क्योंकि शेफ और आसमां एक ही है। जहां पर आसमां पकड़ी जाती है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।